पहला कन्फेशन है, नुमान भाई ने सईदा के लिए फीलिंग्स मुझे बताई जिसका मैंने सईदा से डिस्कस नहीं किया। किसको बताई होंगी, क्या लगता है आप लोगों को ये किसका कन्फेशन? आदि, सईदा तुम बताओ। आदि, सही जवाब, सही जवाब। जानते हैं आप लोग मुझे, वाह। सुने क्या बताया था आपने? उन्होंने कहा था कि बड़े दिल फेंके वैसे नुमान, ज्यादा ही फेंक दिया था हमने, दो दिन में पोछे में साफ किए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सईदा बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत प्यारी लड़की है। सईदा किसको नहीं अच्छी लगती भाई? मुझे नहीं, क्योंकि मैं कमिटेड हूं। सईदा गुस्सा है ये सुन के। मरीहा को भी नहीं अच्छी लगती। सो उन्होंने बस ये बताया था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आपसे कुछ बातें, मैं उनको कैसे बताऊं? हाँ। तो मैंने उनको ये कह दिया था कि देखिए शो में बताने से ऐसा लगेगा कि आप शो के लिए कह रहे हैं सब, बाद में तो शो के बाद अब मिलेगा अगर हाँ। आपको उस वक्त भी वो सही लगे तो फिर आप इसको आगे ले जाइए। फिर जब फिर, आपको पता चल गया तो आपने क्या कहा? फिर इन्होंने मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला, मुझे मायरा ने बोला था और मैं दो दिन यहाँ से कुर्सी हटा दी थी कि मैं उसके साथ बैठने नहीं वाली, बिकॉज उसने जिक्र नहीं किया। मुझे कहीं और से पता चल रहा था, फिर लड़कियां सब मेरा मजाक उड़ा रही थी कि उन्हें उन्हें उन्हें, तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है, तो क्योंकि हाँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था पीछे क्या हो रहा है। फर्ज करो नुमान तुम्हें डायरेक्ट आके प्रपोज कर देता है यहाँ पे, तो तुम क्या करती? उसने एक रात मुझे यहाँ रोका था किचन में और मैंने उसको बोला था कि देखे बिकॉज मुझे पहली चीज़ तो वो एक सब ड्रामा लगा, ऑनेस्टली वो कुछ भी मुझे जो पर्सनली फील होता कि वो सब वो था, क्योंकि कभी आप किसी से प्यार करते हैं तो आप लड़ाइयों के बीच नीसना नहीं बनते, और मैंने उसके मुंह पर बोल दिया था कि आप नीसने हैं यू नो। और अगर फर्स्ट मतलब उन्होंने मुझे बोला था तो मैंने उनको बोला कि दोस्ती के हद तक ये इस चीज़ को रखते हैं, क्योंकि अगर आप दोस्ती के आगे वो चीज़ है तो आई गेस मैंने आराम से प्यार से ये चीज़ बोल दी थी उनको। हाँ।